हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल है करवा चौथ, सो हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस टू एवरीबॉडी जो जो कल व्रत रखने वाले हैं। तो अभी ना फिलहाल मतलब मेरे को मेहंदी भी लगवानी है, मतलब मैं ना अब घर में ही लगवाऊंगी मेहंदी, क्योंकि ना पिछली बार भी मैं बाहर से लगवा के ना बहुत पैसे लेते हैं और अच्छी नहीं लगाते। पैसा एक बार को चला जाए बट अच्छी लगा दो ना तो सही रहता, बट पैसा भी इतना ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगाते तो फ़ायदा नहीं होता। तो इसी वजह से मैं अभी जाऊँगी घर पर, एक बार मम्मी के लगा दूँगी एक हाथ पर और अपने भी लगा लूँगी एक हाथ पर, बाकी शाम को आकर मेरी सिस्टर ऑफिस से आएगी तो वो लगा देगी हम दोनों के एक एक हाथ पर। तो अभी फिलहाल वही सोच रही हूँ, दिन में हम लोग लगा लेते हैं, मम्मी के पास चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत ना कुछ वो मीठी मट्ठी वट्ठी लेते हैं ना उस टाइप का कुछ सामान लेना है, तो वो सोच रही हूँ मम्मी और मैं जाके ही लेकर आ जाते हैं, पास में ही मार्केट है। तो अभी फिलहाल मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और मैं घर निकलती हूँ मम्मी के पास, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी जो जो होता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो यहाँ मैं और मम्मी आ गए थे बेकरी शॉप पे मिठाइयाँ और कुछ वो मीठी मट्ठी वगैरह होती है ना वो सब लेने के लिए, जो मेन करवा चौथ पे मिलती है ना वही सब लेना था। और ये ना हमारे न्यू बेकरी शॉप खुली है और यहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया मिल रही हैं ना यार, मस्त एकदम। मुझे उम्मीद कम थी वैसे, पर बहुत अच्छा सामान मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब केक्स वगैरह भी हैं, स्नैक्स आइटम भी है। मेरा पता है क्या होता है, जब मेरे को पता होता है ना मेरे को अगले दिन व्रत रखना है, मैं एक दिन पहले ना सारी चीज़ें खा लेती हूँ कि भाई साहब कल मेरा मन ना करे इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही माउथ वाटरिंग चीज़ें थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना सामान ले लिया था, थैले भर भर के जो हम लोग को कल पूजा वगैरह के लिए चाहिए था वो सब। ओह माय गॉड, हमारे न्यू बेकरी खुली है उससे हमारे तबाही मचा डाली, हमने सामान खरीद के। उसके बाद ना हम लोग घर आ गए थे और मैंने सोचा यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिन में ही हम लोग को एक एक हाथ में मेहंदी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही थी और मैं वैसे ना अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, बट अब ना आलस आता है, पता नहीं किस चीज़ का मेहंदी लगाने में आलस आता है मुझे, पर फिर भी मैंने सोचा यार बाहर पैसे वेस्ट करने से अच्छा घर में लगा लो। तो ये मैंने मम्मी के मेहंदी लगा दी थी, उसके बाद मैं लगाने वाली थी अपने। क्रिएटिविटी मम्मी बैक साइड से दिखाना ये, और यही हम बाहर लगवाने जाते तो मम्मी कितने में लगवा लगती, कम से कम 400-500 रुपए में ना, इसीलिए 400 रुपये। हाँ वही ना, अब इस बार हमने सोचा हम घर में ही लगाएंगे, बेटर है। और एक एक हाथ पे अभी मैंने लगाई है और शाम को मेरी सिस्टर लगा देगी एक एक हाथ पे, बढ़िया सही लग रही है। आपको अच्छी लगी? अच्छी पक्का सही लगी आपको? और उसके बाद ये देखिए मैंने अपनी भी मेहंदी लगा ली थी, कैसी लग रही है मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यार थोड़ा जल्दी जल्दी लगाई है ना, इस वजह से थोड़ी ऐसी है, बट फिर भी मुझे बहुत पसंद आई। ये कैसे चोरों की तरह आ रही है, ये हमारे गली के डॉगीज को धोखा, ये अपने गली के डॉगीज को धोखा देकर आ रही है, वरना हमारे पीछे पीछे हमारे साथ चलते रहते हैं जहाँ जहाँ जाना होता है। तूने उसे धोखा दिया, वो वापस से आ गया। चिंपूर में जा रहे थे मार्केट का मुआयना करने, बट हमारा डॉगी जो है ना रोड वाला स्ट्रीट डॉग, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। शाहरुख खान निकला था और हम लोग देख कर आते हैं मार्केट में क्या क्या हो रहा है। मैंने तो अपनी मेहंदी लगा ली और ये देखिए जगह जगह पे मेहंदी लग रही है। पता है यहाँ पे दिल्ली में इतना अच्छा लगता है ना जब ये करवा चौथ वगैरह आती है, यहाँ पे जगह जगह पे मेहंदी वाले बैठ जाते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मेहंदी लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं वही भगवान जी करवा वगैरह सब। ये वाली चीज मोस्टली पंजाबीज में यूज होती है जो छन्नी से देखते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होता। और यहाँ पे यारे सूट बहुत प्यारे प्यारे थे, सूट इतना प्यारा है ना, नियत खराब हो गई थी मेरी भी है ना? और ये देखिए हाँ। सब जगह वही है, करवे मिल रहे हैं, छन्नी मिल रही है, घूमने आई है बट वो मरी जा रही है आइसक्रीम खाने के लिए, और जो उसे खानी है ना उसी के लिए बार बार मुझे कह रही है बिस्किट आइसक्रीम सैंडविच आइसक्रीम खाएगी खाएगी। मैंने सोचा कल बिजाई का व्रत है खिला दूँ, इसकी नियत खराब होगी और मेरे को कोई और खानी है, बट जो इसे खानी है ना वही ये दिलवा के माने, इसका मन है बिस्किट आइसक्रीम खाने का। चल भाई मेरा नहीं है बट इसका है, तो ये वही लेगी। ये 4 महीने से बोल रही है मुझे बिस्किट आइसक्रीम खाने का। मेरा नाम बदनाम करने के बाद 2 फ्री आइसक्रीम खा ली है, हमारी वीडियो में खाने का नाम ऐसा नहीं हो सकता। खाओ खा।
आज मार्केट में बहुत भयंकर भीड़ है, यहाँ पे मिलने लगे हैं पटाखे भी। पटाखे तो यार बैन नहीं है क्या? या मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज दिवाली आ रही है, कम से कम पटाखे जलाएं और अपने आसपास जानवरों का ध्यान रखें, कोई उनको टॉर्चर ना करे पटाखे उनके आसपास जला के। और ये ना फिर हम लोग आ गए थे शिकंजी पीने, यार ये आंटी इतनी बढ़िया शिकंजी बनाते हैं, बट मुझे बाद में याद आया हम लोग ने ऑलरेडी आइसक्रीम खा रखी है, अब ये भी खा रहे हैं तो हमारा गला ना बैठ जाए। मम्मी अब हम लोग को वीडियो में देखेंगे ना तो हम लोग को गालियाँ पड़ेंगी। पहले हमने कुछ नहीं खाया, हमारा फ्रेंड खुद ही हम हमेशा यही बोलते हैं और पकड़े जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो खा के आया ही है। यार ये आंटी शिकंजी बेचते हैं बेचारी, बहुत अच्छी है, मयूर विहार फेस वन में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। यार हर जगह ये रेड कलर के सूट मिल रहे हैं अभी, रेड 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 पिंक रेड मैरून है चूड़ियों की शॉप। अरे खाली कैसे है यार चूड़ियों की, मैं तो भीड़ होनी चाहिए भयंकर। सब ले गई उनके मजबूर पति, उनके लिए वो व्रत रखेंगे ना इसलिए सब दिलाएंगे। सबके पतियों ने सब कुछ दिलाया, मेरे पति ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि ये है हमारे यहाँ के हनुमान जी का फेमस मंदिर। कुछ नहीं लेकर आए, सिर्फ तफरी मार कर आए, सिर्फ चिकन जी पी आइसक्रीम खाई और आ गए, बस कुछ नहीं लिया, एक चीज नहीं लिया। तूने लिया कुछ? मैं मैरिड नहीं हूँ ना तो मेरा वैलेंटाइन कल नहीं है। ये वैलेंटाइन डे पे लेगी। हमारे एरिया में ही ना इतनी मेहंदी वाली बैठी है भरपूर, अगर हम लोग सच में यहाँ बैठ जाए ना तो कम से कम कमा जाएंगे यार, 10-15 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए दिन के, है ना। मेहंदी चंपू ऑलरेडी इतनी अच्छी लगा लेते हैं ना, अब देखो मैं भी इनके लगाऊंगी ना, मुझे मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपये पर हैंड, आप लोग गवाह बनना, मेरे को 4 हज़ार रुपये मिलने चाहिए। कि तुमने मोटू के लिए व्रत रखा है? मोटू ये आ रहे मोटू, तुम्हें व्रत रखने की जरूरत है बेचारी, गुटकी व्रत रखेंगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। पागल ये आ जाओ यार, अरे 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 फैले पड़े लोग, फैले हुए लोग, ये क्या खा रहे हो? ये कल व्रत रख रहे हैं ना तो ये आज ही आधे किलो लड्डू खाएंगे। आप व्रत रख रहे हो? किसने कहा? एक किलो के एक के बिना मतलब का व्रत रखवा रहे हैं ये लोग, बताओ। एक किलो नौपर है और लो कुछ। चलो मस्ती वस्ती तो चलती रहती है, ये लोग एक दूसरे की ऐसी टांग खींचते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे अब चिंपू लगा रही थी मेरे मेहंदी, और ये देखिए ये ना फोन में ऐसे निकाल के बैठेगी कि क्या मेहंदी लगाने वाली है मेरे, और जब लगती है ना उसके बाद देखना आप। किसी को अगर सेम डिजाइन लगवानी एग्जैक्ट तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखो ये कितनी सेम है। हाँ तो जैसे होता है ना शाहरुख खान और उसका कार्टून बना देते हैं वही है। मेरे हाथ खराब करने के बाद ये जुटी हुई है मम्मी के हाथ खराब करने के लिए। अब डिजाइन देखो ऐसे सेलेक्ट कराएगी जैसे बिल्कुल सेम सेम लगाएगी, ये तो ये लगाएगी। और फिर ऐसी लगेगी वो। हाँ लगाता तो सारी देगी, पर वो पता नहीं क्यों फिर एग्जैक्ट दिखती क्यों नहीं है। हाँ इजी तो सारी है, पर पता नहीं लगने के बाद क्यों इतनी डिफिकल्ट सी दिखती है ना मम्मी। जब एक आर्टिस्ट कोई चीज करता है ना तो कुछ नया निकल के आता है। बकवास एकदम। और मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी अपने घर वापस, और अगले दिन था करवा चौथ, और यहाँ पे चिंपू मेरा हेयर स्टाइल कर रही है, क्योंकि वो मुझे देखती है ना करते हुए जब मैं लोगों का करती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, तो उसको ना थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैं भी करूँ मैं भी करूँ, तो मैंने उससे बोला कि आज चल, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो तू मेरा हेयर कर दे, तो फिर वो वही कर रही थी, और उसको ना इंटरेस्ट भी आता है इस चीज़ में तो वो मेरा हेयर कर रही थी, और उसने बहुत ही अच्छा करा था, वो आपको आगे दिख ही जाएगा। और जब तक मेरी सिस्टर मेरा हेयर कर रही थी मैंने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा मम्मी का भी मेकअप कर देती हूँ,
तो साथ के साथ वो मेरा हेयर भी कर रही थी पीछे से, और यहाँ पे मैंने मम्मी को बिठा दिया था कि चलो, क्योंकि ना मैं अब जैसे व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मम्मी का भी कर दूँ, तो मैं वही कर रही थी। बट मम्मी की तबीयत तब से ठीक नहीं है, तो मम्मी ने उठ के चली गई। मम्मी ने कहा मैं नहीं करवा पाऊँगी ज़्यादा देर, तो यहाँ पर मैं अपना ही मेकअप करने लगी। और अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, आप आगे बताइएगा मेरा मेकअप आप लोग को कैसा लगा। और मैं ना ये जो मेकअप करती हूँ ना, उस टाइम मैं अपनी रील्स भी थोड़ी बहुत बनाती हूँ, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं नीचे अपनी आईडी शेयर कर दूंगी, तो आप उस पर जाके फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने आसपास लोगों को बताना कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मैं ऑल ओवर इंडिया फ्रीलांस काम करती हूँ। अगर किसी को भी ज़रूरत हो और मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ये देखो चिंपू पीछे मेरी वीडियो ले रही है, आज उसने मेरी इतनी हेल्प करी है ना, मेरे काम में ही करी है, और काम में तो करी है बल्कि और भी चीज़ों में उसने बहुत हेल्प करी है। उसको एक ही दिन की छुट्टी मिली थी आज ऑफिस से संडे को, बट उसने इतना काम करा ना रात में, वो बेचारी बिना खाना पीना खाए सो गई, वो इतना ज़्यादा थक गई थी। बट थैंक यू चिंपू। और यार आज करवा चौथ भी था, हम लोग मेकअप कर रहे थे ना, मतलब थोड़ा बिजी थे, और आज ही पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था। और यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना तो कुछ समझ नहीं आता, चाहे कोई भी मैच छूट जाए, बट जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, वो नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं मेकअप भी कर रही थी, और मुझे बार बार ना चुल भी हो रही थी कि यार मैं बाहर जाके मैच देखूँ मैच देखूँ। बट वही था ना यार, एक ही दिन तो होता है कि जब ये सब करना होता है, तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं। मैं बस मतलब मन दोनों साइड डाइवर्ट हो रहा था कि मैच भी देखना और ये भी करना है, बट जो भी था। यहाँ मैं हो गई थी रेडी, अब आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ मेरी सिस्टर हम लोगों के महावर लगा रही थी। ए आशा, आशा नहीं हूँ, आशा मैं वो हूँ जो नहीं ये मेरा मल्टीटास्किंग स्टाफ है बेचारी मौके मौके पे झाड़ू लगा देती है, मौके मौके पे महावर लगा देती है, मौके मौके पे हेयर कर्ल कर देती है। वो कौन होती है जो बहुत पुराने जमाने से हमारे खानदान की वो करते हैं? दाई माँ। तो मैं दिखाओ, जिन्होंने तुम्हारी मम्मी की भी सेवा करी, तुम्हारी भी सेवा करी आगे भी करी। प्यारा देख देख, प्यार देख अपना, नहीं और यहाँ तैयारी करते करते मुहूर्त हो गया था पूजा का। और पता है यार कल दिल्ली में इतनी बारिश हुई है, भयंकर बारिश कि किसी को चांद ही नहीं दिखा। वो तो ये है कि यार व्हाट्सएप वगैरह की सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू चांद देखना पड़ गया। यार जिस भी स्टेट में दिख रहा था ना, जो जैसे हमारे घर का कोई रहता है तो हम लोग ने उन्हें कॉल करा, हमने बोला चांद दिखा चांद दिखा, तो उन लोगों ने बोला हाँ यहाँ पे दिख गया है। तो हम लोग ने उनसे व्हाट्सएप के थ्रू फोटोज़ मांगी, और व्हाट्सएप के थ्रू लाइव हम लोग ने देखा चांद, और हमने तब पूजा करी। यार कल तो लग रहा था कि बैंड ही बज जाने वाली है, बट वही है थैंक्स टू व्हाट्सएप कि हम लोग को दिख गया चांद और पूजा हो पाई हमारी। और ये करवा चौथ की जो पूजा हो रही है, ये हमारे यहाँ की रस्म है, जैसे ऐसे पूजा होती है। आप लोग के यहाँ पता नहीं कैसे होती होगी, अगर कुछ अलग तरीके से होती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे होती है जैसे आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं।
और यार पता है करवा चौथ के दिन जब सब लेडी वगैरह तैयार होके जाती है ना यार, कितनी प्यारी लगती हैं। और कल बारिश ने सारा कचरा कर दिया कि ना यार सब देख ही नहीं पाए, वरना मैं तो पता है क्या करती हूँ, छत पे टंग जाती हूँ और इधर उधर देखती रहती हूँ कौन कैसे रेडी हुआ है। अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है ये सब देखने में। और फिर इतना जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, फेस्टिवल्स तो मेरे फेवरेट हैं यार। मुझे जब भी अगस्त स्टार्ट होता है ना रक्षाबंधन, उसके बाद से मुझे सारे मंथ इतने अच्छे लगने लगते हैं ना, क्योंकि मुझे फेस्टिवल्स के टाइम में जब रौनक होती है मार्केट में, ऐसा होता है अच्छा लगता है ना, तो खुशी खुशी सी लगती है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सबका मूड भी अच्छा रहने लगता है और सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है। ये देखिए इतनी बारिश थी कि हम लोग को छाता लेके पूजा करनी पड़ी थी और ये आए थे पीछे हमारे लिए छाता पकड़ने। और यार सच में इतनी ज्यादा बारिश हो गई ना कल, उम्मीद ही नहीं थी ऐसे टाइम पे बारिश हो जाएगी। अरे वैसे भी बारिश हो रही है, पर थैंकफुली पूजा भी हो गई अच्छे से और सब कुछ अच्छे से हो गया। जल्दी आओ मेकअप आर्टिस्ट और मेरी आशा आप खेलते थे छक्के चौके लग जाते और यहाँ ये लोग पोज दे रहे थे, इन लोग को लग रहा था कि मैं इन लोग की फोटो ले रही हूँ, बट यहाँ पे तो वीडियो बन रही थी मुझे ही नहीं पता था। है करवा चौथ की पूजा, यहाँ मम्मी और मैंने कर ली है पूजा अब हमारा हो रहा है फैमिली फोटो और बहुत सारा क्रेडिट जाता है इसको, इसने बहुत सपोर्ट किया है मेरे काम में भी और वैसे भी। हाँ चलो पापा आ जाओ एक फोटो ले लेंगे। और यहाँ पे चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच, होल्डिंग रखी खतरनाक, और इंडिया आज अच्छा ही नहीं खेल रही, बकवास खेल रही है एकदम। और यहाँ पे लोगों की हालत खराब है, लोगों की हालत खराब हो चुकी है। विराट कोहली भी ये छक्का मारा ना इसमें, ये मैच का वो चला को एक एक करके खींचना पड़ रहा है फोटोज के लिए। आओ जल्दी यार, इतना अच्छा मेकअप करा था, फोटो तो खिंचवाओ। उन लोग को बुला, उन लोग को बुला, मेरा मेकअप नेचुरल ब्यूटी है ना। अरे यार आओ जल्दी। तो अभी करवा चौथ की पूजा हो गई है, अब कुछ खाएंगे पियेंगे। होप आप सबके यहाँ भी अच्छा हुआ होगा करवा चौथ, और सभी के जोड़े सभी के पार्टनर्स ऐसे ही बने रहे, और हर साल सभी लोग इसी तरीके से मतलब सब सेलिब्रेट करें अच्छे से, यही बस भगवान जी से प्रार्थना है। और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी फ़िलहाल मैं कुछ खाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और उसके बाद। और ये जो शोर हो रहा है ना इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से हो रहा है इतना ज़्यादा, तो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब आज फेस्टिवल भी है और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना वो भी एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है, तो फिलहाल दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, क्लैश हो गई, तो वही हो रहा है। और बस अभी देखते हैं क्या क्या खाने वाले हैं, मम्मी ने बहुत कुछ बना रखा है पता नहीं, और फिर मिलूंगी आगे आपसे। अभी फिलहाल दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और आज स्पेशली हमारा फास्ट है ना, इस वजह से मंगवाया गया है मैकडी, इसमें बर्गर मैक पफ वगैरह सब है, वाह मजा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो लग रही है हमारी कोल्ड ड्रिंक, वहाँ चल रहा है मैच, शोर मच रहा है। यहाँ अब चल ये यहाँ पे बैटिंग हो रही है कि कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान। मुझे दे देना कोई पैसे जो जीते, मुझे दे देना पैसे। यहाँ ना सब मम्मी को फोन करके पूछ रहे थे चांद दिखा, चांद दिखा, क्योंकि सबके घरों में बारिश हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कुछ। पापा खा लेंगे, कितने भूख के बाद ऐसी चीजें मिल जाए तो मजा आ जाता है। मैं सुबह तक कुछ नहीं खाया हुआ था, अब जाके खा लिया। यहाँ ना मम्मी को इतना मना करा था कि कुछ मत बनाओ, हम लोग सब रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे, बट मम्मी बिल्कुल मानती नहीं है। मम्मी कहती नहीं बना लेंगे बना लेंगे, वो बिल्कुल नहीं सुनती है कुछ भी, तो वो बना लेती है, तो यार हम क्या ही कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मम्मी ने बना रखे थे छोले भटूरे वगैरह जो बहुत ही टेस्टी बनाती है मम्मी। यार मैं एक बार अगर आपको कैसे बता सकती हूँ, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं यार ये छोले भटूरे। मम्मी सभी चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं बट ये छोले भटूरे तो अमेजिंग। यार मैं बोल रही हूँ ना, मेरे मुँह में पानी आ गया। यहाँ इंडिया हार रही है इसलिए ये लोग मुँह बना बना के खा रहे हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत टेंशन हो गई इंडिया जीत क्यों नहीं रही, वो भी पाकिस्तान से। हमारे ना स्ट्रीट डॉग्स हो रहे हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रही है ना बाहर, तो इसलिए हम लोग इन्हें अंदर बिठा देते हैं। मैं आ गई हूँ वापस से अपने अवतार में, ये लोग खा रहे हैं खाना और यहाँ मैं भी लेकर आ गई हूँ गरम गरम। तो अभी सब कुछ हो गया है और सब फेस्टिवल वगैरह हो गया, अब आ गई हूँ मैं घर। अब आ रही है बहुत तेज वाली नींद, तो अब सोऊंगी और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हैंग आउट विद यामिनी।